अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मुहर्रम अली एंड यू आर वॉचिंग तमजीद डेवलपर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन लाहौर में 10 मरला प्लॉट प्राइस की, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम आपको बहरिया टाउन लाहौर में 10 मरला प्लॉट अपना घर बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए किस ब्लॉग में परचेज़ करना चाहिए। सो स्टे विद अस, लेट्स स्टार्ट। बहरिया टाउन लाहौर में टोटल 7 सेक्टर्स हैं, सेक्टर ए, बी, सी, डी, ई, एफ और रिसेंटली लॉन्च्ड सेक्टर जी। सेक्टर जी में भी 2 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिसमें 10 मरला की कटिंग है, और बाकी सारे ब्लॉक्स सेक्टर्स में भी 10 मरला कटिंग अवेलेबल है। अगर हम बात करें प्लॉट की प्राइसेस की, तो ये मिनिमम स्टार्ट हो रही हैं 82 से, और ये मैक्सिमम जा रही हैं 2,25,00,000 रुपये तक, डिपेंडिंग ऑन देयर सेक्टर्स और उनकी लोकेशन पर। सेक्टर ए में अगर देखें तो 10 मरला प्लॉट जो है वो बाबर ब्लॉक में अवेलेबल है, और वहाँ पे अगर प्राइस देखी जाए तो मिनिमम जो प्राइस है वो 1,40,00,000 रुपए से लेके और 2,10,00,000 रुपए तक है। सेक्टर बी में देखें तो हमें अवैस करनी, तकबीर ब्लॉक, शहीन ब्लॉक, गौरी ब्लॉक, यहाँ पे 10 मरला प्लॉट मिल जाते हैं, और ये मतलब आप इनको प्राइम लोकेशंस कह सकते हैं, ये फुली डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं, और अगर कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो 90% ऑक्यूपाइड है, 90%। तो यहाँ पे बहुत कम अवेलेबिलिटी निकलती है, और जो अवेलेबिलिटी आती है वो मार्केट में उसका बायर ऑलरेडी मौजूद होता है, और वो फौरन जो है वो सेल हो जाती है। सेक्टर सी में आते हैं तो शहीन ब्लॉक, ट्यूलिप ब्लॉक, आयरस ब्लॉक, हुसैन ब्लॉक, जेनिपर ब्लॉक, इस तरफ से चंबेली ब्लॉक आपको मिल जाता है। इन सब ब्लॉक्स में भी जो है वो 10 मरला प्लॉट्स की कटिंग्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पे भी जो प्लॉट की प्राइस है वो मिनिमम जो है वो 185 और 190 से लेके और 2,20,25,00,000 रुपए तक है। ये वाले ब्लॉक्स भी 100% ऑक्यूपाइड हैं, और कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो इनमें भी जो है वो 90% 95% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, तो यहाँ पे गैस अवेलेबिलिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी एमिनिटीज़ तो ऑलरेडी हैं। कमर्शियल भी जो है वो यहाँ पे बहुत करीब है, और यहाँ पे भी बहुत कम जो है वो ऑप्शंस निकलती हैं फॉर सेल और परचेज, तो और जैसे ही वो ऑप्शंस मार्केट में आती हैं वो साथ ही जो है वो सेल हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम सेक्टर डी की तरफ आते हैं तो उसमें डबल सी ब्लॉक है, डबल डी ब्लॉक है, ओवरसीज बी है, वहाँ पे भी 10 मरला प्लॉट मिलते हैं, और वो भी आपको जो है वो 1.5 करोड़ रुपए से लेके और 2,10,15,00,000 रुपए तक वहाँ पे भी प्लॉट मिल जाता है, जिसमें चार्जेस भी अवेलेबल होते पेड होते हैं, और आप उनको परचेज करते साथ ही वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर सेक्टर सी में अगर प्राइस कंपैरिजन करते हैं तो एक साल पहले जो सेक्टर सी में प्राइसेस थी, जिस टाइम शाहकाम भी अभी जो है वो रिसेंटली बनना स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम जो है आपको 1 करोड़ से लेके और 1,20,25,00,000 रुपए तक 10 मरला प्लॉट मिल जाता था, और पिछले साल से लेके अब तक जो यहाँ पे प्राइसेस में बूम आ चुका है वो आप कह लें कि 70-80% आ चुका है। अप्रिसिएशन जो हुई है वो 70-80% हुई है, कि अब यहाँ पे मिनिमम जो प्लॉट है वो 1,90,000-1,95,00,000 रुपए का मिलता है, और मैक्सिमम तो 2,20,25,30,00,000 रुपए तक भी वेरी करते हैं ये प्राइसेस, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन और कैटेगरी और बुलेवार्ड एट्सेट्रा। इसी तरह अगर सेक्टर डी की प्राइस कंपैरिजन की जाए तो सेक्टर डी में भी जो आपको एक साल पहले प्लॉट मिल जाता था वो 90 से ऑनवर्ड जो है वो 1,01,05,00,000 रुपए तक प्लॉट मिल जाता था, यहाँ पे भी जो एप्रिसिएशन गई है वो भी कोई 40-50-60% तक जो है वो एप्रिसिएशन हुई है, और यहाँ पे भी अब जो प्लॉट की प्राइस है वो 1,50,000,000 रुपये से लेके और अपवर्ड ये जा रही है जी आपकी प्राइस 2 करोड़ प्लस में। इसी तरह अगर हम बात करें सेक्टर ई की, तो सेक्टर ई में आपको 5 ब्लॉक्स मिलते हैं जहाँ पे 10 मरला प्लॉट की कटिंग्स अवेलेबल हैं, इकबाल ब्लॉक, रफ़ी ब्लॉक, जनाब ब्लॉक, तलहा ब्लॉक और शेरशाह ब्लॉक। यहाँ पे अगर प्राइस की बात करें तो प्राइसेस आपकी स्टार्ट हो जाती हैं 1,10,00,000 रुपए से लेके और ऑनवर्ड ये जा रही हैं 1,80,000-1,85,000 रुपए तक। एक साल पहले अगर प्राइस का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आपको 85 से लेके और ऑनवर्ड 1,15,000-1,20,000 रुपए तक प्लॉट मिल जाता था, मतलब यहाँ पे भी जो एप्रिसिएशन की परसेंटेज निकलती है वो 30-40% निकलती है। इस तरह सेक्टर एफ़ में 9 ब्लॉक्स मिलते हैं जहाँ पर 10 मरला प्लॉट्स अवेलेबल हैं, तोहीद ब्लॉक, कायद ब्लॉक, जौहर ब्लॉक, गजनवी ब्लॉक, गाजी ब्लॉक, सिकंदर ब्लॉक और टीपो ब्लॉक। सेक्टर एफ़ की जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे जो प्लॉट्स की डायमेंशन है वो 35x70 है, यहाँ पे 10.88 मरला के
मोस्टली प्लॉट्स हैं, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अगर देखी जाए तो ऑलमोस्ट 60 to 70% जो है वो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, और यहाँ पे भी प्लॉट्स जो हैं वो 80-90% ऑक्यूपाइड हैं। बिल्कुल कम ही ऑप्शंस यहाँ पे भी निकलते हैं, वो जैसे ही ऑप्शंस आते हैं तो साथ ही मार्केट में वो भी सेल हो जाते हैं। अगर यहाँ पे प्राइस की बात की जाए तो अब जो है वो प्राइस स्टार्ट हो रही है यहाँ पे 85 से लेके जो गाजी ब्लॉक में है 85 के प्लॉट्स, और एट मैक्स जो जा रही है ये 165-170 तक वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। और अगर एक साल पहले की बात की जाए तो यहाँ पे जो है वो 60 से लेके और 1 करोड़ रुपए तक जो है वो आपको प्लॉट मिल जाता था। तो इस टाइम भी जो है वो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर घर बनाने के लिए आपको प्लॉट चाहिए तो वो भी आप सेक्टर ई और एफ में ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है वो LD अप्रूव्ड भी हो चुका है, और यहाँ पे गैस अवेलेबिलिटी भी विद इन जो है वो 3-4 मंथ्स जो है गैस भी इंशाल्लाह आ जाएगी। और इसके बाद आ जाते हैं सेक्टर जी, जहाँ पे टोटल 5 ब्लॉक्स हैं और 2 ब्लॉक्स ऐसे हैं राशिद मिनास और अबूबकर ब्लॉक, जिसमें आपको 10 मरला प्लॉट की कटिंग मिलती है। इसकी जो प्राइस है वो 82 है, और इस पे ऑन जो है वो 7 लाख से लेके और 1.3 or 4 million तक है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन और फेसिंग पार्क कैटेगरी आप कह सकते हैं। ये सारी प्राइस कंपैरिजन थी और प्रेजेंट प्राइसेस थी सेक्टर वाइज जो मैंने आपके सामने रखी हैं। पूरी वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, अपने प्लॉट्स सेल और परचेज करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इसी के साथ जो है वो आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।